व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे हो सभी लोग। सो गाइस, आज की वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोटेशन ड्रैग आप कैसे मार सकते हो। तो गाइस देखो, रोटेशन ड्रैग काफी वन टैप वाले प्लेयर यूज करते हैं, तो यार आप क्यों नहीं रोटेशन ड्रैग मार सकते। आखिरकार आप भी तो एक इंसान ही हो, तो इंसान होने के नाते मैं आपको आज रोटेशन ड्रैग सिखाने वाला हूं। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, रोटेशन ड्रैग सीखने से पहले हम रोटेशन ड्रैग के कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। तो देखा, रोटेशन ड्रैग जो भी मारता है उसके वन टैप एकदम पक्के हो जाती है, यानी कि जो 10 गोली चलाएगा उससे 9 गोली तो वन टैप आराम से लगेगा। और जितने भी प्लेयर आप देखते हो जो वन टैप मारते हैं, वो सारे प्लेयर रोटेशन ड्रैग का यूज करते हैं। और अगर आपको रोटेशन ड्रैग मारना आ गया है, तो आपके जितने भी गोलियां निकलेगी, ज्यादा से ज्यादा गोलियां रेड नंबर आपको दिखाएगी, ज्यादा से ज्यादा गोलियां आपके एनिमी के हेड पे ही जाएगी। और रोटेशन ड्रैग का जो सबसे अच्छा एडवांटेज जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो है एनिमी जब आपको फायर कर देता है एंड आपकी हेल्थ बिल्कुल कम होती है, तो आप वहाँ पे मैच को पलट सकते हो रोटेशन ड्रैग मारकर। कुछ इस तरीके से आपकी हेल्थ कम हो फिर भी आप एनिमी से एकदम डिफेंस कर सकते हो रोटेशन ड्रैग की मदद से। और अब एक बात और जान लेते हैं कि जिस चीज के एडवांटेज होते हैं उस चीज के डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो रोटेशन ड्रैग के डिसएडवांटेज की बात करते हैं। अब देखो यार, रोटेशन ड्रैग आप जब मारते हो तो रोटेशन ड्रैग लग गया तो लग गया, तो आप मैच पलट सकते हो। और अगर रोटेशन ड्रैग नहीं लगा तो आपका एनिमी आपको पलट देगा, मतलब कि आपको इजीली से आपका एनिमी किल कर सकता है। एंड रोटेशन ड्रैग की जो एक सबसे गंदी बात मेरे को ये लगती है कि अगर एनिमी जिगजैग मूवमेंट में है तो रोटेशन ड्रैग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब ये बातें तो हो गई रोटेशन ड्रैग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की। अब हम ये जान लेते हैं कि रोटेशन ड्रैग किस तरीके से मारा जाता है, इस रोटेशन ड्रैग को किस तरीके से हम मास्टर कर सकते हैं जिससे कि हम एनिमी को इजीली से वन टैप मार सके। तो अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं। तो देखो यार, रोटेशन ड्रैग सीखने के लिए आपको आ जाना ट्रेनिंग ग्राउंड में। एंड यहाँ पे जो ये बेजान सा पुतला है, इस पुतले के ऊपर आपको जो है ट्रेनिंग करनी है, यानी कि आपको जो ऐसे भाग भाग के बार बार इस पुतले को मारना है। अब देखो यार, अगर आप अपने फायर बटन को यू शेप में घुमा दोगे पूरा, तो रोटेशन ड्रैग कतई नहीं लगेगा, सारे के सारे नंबर व्हाइट नंबर होंगे। और आपको कम से कम एक से आधा घंटा पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है रोटेशन ड्रैग की। और जब आपका रोटेशन ड्रैग एकदम पक्का हो जाए, तो उसके बाद में आप इसे क्लासिक में या फिर रैंक मैच में परफॉर्म कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ रोटेशन ड्रैग किस तरीके से परफॉर्म करना है और किस तरीके से आपको अपने फायर बटन को घुमाना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फायर बटन को घुमाना है, पूरा यू शेप में नहीं घुमाना, एक बार फिर से देखना, कुछ इस तरीके से आधा यू बना देना है आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, कुछ इस तरीके से पूरा घूम घूम के रोटेशन ड्रैग मारना है आपको। एंड उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो एम है वो एनिमी के हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, यानी कि आपके एम के हिसाब से एनिमी आपके राइट साइड में होना चाहिए। एंड जैसे ही एम लाल हो जाए तो आपको क्या करना है, एनिमी को रोटेशन ड्रैग मार देना है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड यहाँ पे आप एक से आधा घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। और यार देखो, काफी बंदे आपको कहेंगे कि आप फायर बटन का साइज इतना रखो, बट यार देखो, डिवाइस के हिसाब से फायर बटन का साइज रहता है, आपका डिवाइस कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो उस हिसाब से आप अपने फायर बटन को रखो। एंड जो ये जो क्विक वेपन स्विच जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना। एंड अब अगर आपको और भी फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स देखनी है, तो आप वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो राइट में बहुत तगड़ा 1v1 का हैंड गेम के साथ मैच है, जाके देखो। एंड आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।